रायबरेली के आरटीओ परिवर्तन मनोज कुमार सिंह एक समय एक्शन मोड पर दिखा रहे हैं। हम आपको बताएं कि रायबरेली जिले में फराटे भरती हुई गाड़ियां जो कि टैक्स नहीं दे रही हैं उस पर नकेल कसने के लिए मनोज कुमार सिंह ने एक्शन मोड पर दिखाई पड़ रहे हैं। उन्होंने जबरदस्त चेकिंग के दौरान कई सारी गाड़ियों के चालान भी काटे। हम आपको बताएं कि आरटीओ परिवर्तन रायबरेली में लगातार उन वाहनों पर नकेल कस रहे हैं जिनके द्वारा कहीं ना कहीं गलत तरीके से बिना टैक्स जमा किए हुए काम किया जाता है। इसी क्रम में उनके द्वारा बिना टैक्स जमा किए हुए कई वाहनों को चालान करते हुए उनको सीधे सीधे चेतावनी भी दी गई। रायबरेली के आरटीओ प्रवर्तन मनोज कुमार के द्वारा एक सकारात्मक पहल करते हुए उनके द्वारा कई सारी गाड़ियों के चालान काटे गए। हम आपको बताएं कि जिस तरह से रोड पर फराटे भरते वाहन अवैध तरीके से चलते हैं उस पर कहीं ना कहीं नकेल कसने का काम कर रहे हैं आरटीओ प्रवर्तन मनोज कुमार। गौरव द्विवेदी के साथ मनीष कुमार की रिपोर्ट। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन के पद पर तैनात हूँ। रात की गाड़ियों का चलान हुआ है, क्या है मामला पूरा? ऐसा है, लंबे समय से ये कार्रवाई चल रही है। एक अभियान भी चलाया गया था कि जो टैक्स में बकाए में गाड़ियां हैं उन पर कार्रवाई की जाए। उसी क्रम में टैक्स और फिटनेस पर जो बकाए में है और जिनकी फिटनेस खत्म है उन पर कार्रवाई की जा रही है। अभी दो बसें सिविल लाइन चौकियाँ फिक्स किए हैं। स्कूल वाहनों पर भी कार्रवाई की जा रही है। वाहनों का चालान भी हुआ है क्योंकि उसमें बच्चे बैठे थे, इसलिए उनको निरुद्ध नहीं किया जा सका।